हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। किचन का काम कंप्लीट करने के बाद मैंने खुद के लिए यहाँ चाय बनाई है, क्योंकि आज मेरा मंडे फास्ट है तो मैं सुबह सुबह चाय पी रही हूँ। ऐसे में डेली चाय पीना प्रेफर नहीं करती हूँ। इसके बाद मैं अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को नाश्ता दे दूँगी और नाश्ता देने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। तो आज मैं सबसे पहले पढ़ रही हूँ वर्ड मीनिंग्स, और मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास 252 वर्ड्स का कंपाइलेशन है और मैं हर दिन 10 वर्ड मीनिंग्स लर्न करती हूँ। तो आज मैं 50 से 60 नंबर तक के सारे वर्ड मीनिंग्स लर्न करूँगी, और आप देख रहे होंगे वीडियो में कि 50 से 60 नंबर तक के जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं वो बहुत ईजी थे आज के। उनमें से मैं मैक्सिमम वर्ड्स को जानती थी, तो मैं इसे लर्न करने में मुझे बिल्कुल 10 से 15 मिनट का टाइम लगा। इसके बाद मैं पढ़ रही हूँ क्राउन पब्लिकेशन की बुक से मेडाइवल हिस्ट्री, और मैं आपको अपनी जीएस की स्ट्रेटजी बताती हूँ। मैं इस बुक से हर दिन 3 पेजेस लर्न करती हूँ, और नेक्स्ट डे जब मुझे नेक्स्ट 3 पेजेस को लर्न करना होता है तो मैं पहले लर्न किए हुए पेजेस को रिवाइज करती हूँ। इसी तरह से मैंने अपना एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन भी कम्प्लीट किया था, और अभी जब मैं एंशियंट हिस्ट्री के पोर्शन को रिकॉल करती हूँ तो मुझे बहुत कुछ याद रहता है, और ये बहुत अच्छी मेथड है। आप भी इस मेथड से किसी भी बुक को कंप्लीट कर सकती हैं अगर आपको जीके में इंटरेस्ट नहीं है तो। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने पहले भी मेडाइवल हिस्ट्री एक बार पढ़ रखा है। मैंने एक यूट्यूब चैनल से प्रॉपर नोट्स उसका प्रिपेयर कर लिया था, तो इसलिए आज जब मैंने क्राउन पब्लिकेशन के बुक से उसे पढ़ा तो मुझे बहुत ईजी लगा पढ़ने में। इसके बाद मैं पढ़ रही हूँ हिमांशी सिंह के बुक से MCQs, और प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इस बुक में टोटल 18 चैप्टर्स हैं और मैंने चैप्टर 7 तक कंप्लीट किया है, और चैप्टर 8 पढ़ने से पहले मैं चाहती थी कि मैं 1-7 चैप्टर एक बार रिवीजन कर लूँ। तो रक्षाबंधन तक मैंने चैप्टर 4 तक रिवीजन कर लिया था, और आज मैं इसमें चैप्टर 5 को रिवीजन कर रही हूँ। पहले जब मैंने चैप्टर 5 पढ़ाई करी थी तो उसमें जितने भी टफ क्वेश्चंस थे उसको मैंने राउंड कर लिया था, और अब मैं उन सारे क्वेश्चंस को लर्न कर ले रही हूँ। हिमांशी सिंह की बुक में एक चैप्टर में 250 से 350 तक क्वेश्चंस हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये DSSSB के लिए मोर देन इनफ हैं, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स DSSSB के, UP TET, CTET, BIHAR TET और जितने भी स्टेट टेट होते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं। इसके बाद अब मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर्स। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना करंट अफेयर्स वाला सेशन कंप्लीट नहीं किया था, तो आज मैं उस वीडियो को देखकर अभी सारे पॉइंट्स नोट कर लूँगी। अगर आपका भी जनरल अवेयरनेस वीक है और आप उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहती पर जनरल अवेयरनेस में अच्छा स्कोर करना चाहती हैं तो आप करंट अफेयर्स को अच्छे से कंप्लीट करें। आप अगर आप अभी फ़िलहाल की एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आप उसमें ऑब्जर्व करेंगी कि अब जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन होता है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये मैम जो हैं वो भी इसी तरह पढ़ाती हैं। हर करंट अफेयर्स के से रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो डिस्कस कर देती हैं वीडियो में, और मैं क्या करती हूँ कि उन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेती हूँ। तो अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी उतना लेंदी नहीं भी पढ़ना चाहती हैं तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पोर्शन है उतना भी आप कर लेंगी तो आप कम से कम 25 में 10 नंबर तो ज़रूर स्कोर कर पाएंगी। इसके बाद मुझे थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खा लिया जाए, और यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक छेना पायस है, ये मेरी फेवरेट मिठाई है और मैं मंडे को खाना इसे बिल्कुल मिस नहीं करती। अब मैं पढ़ रही हूँ गगन प्रताप सर से HCF और LCM। मैं आपको अपनी मैथ की स्ट्रैटेजी बताती हूँ। मैंने सोचा है कि मैं किसी भी एक YouTube टीचर से जो अच्छा पढ़ाते हों उनसे अपना थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करूँगी, और पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद मैं हर चैप्टर से लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। इससे क्या होगा कि मेरा उस चैप्टर पर अच्छे से कमांड हो जाएगा। तो HCF LCM आज मेरा कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज मुझे इसका वीडियो नंबर 8 देखना है, और इसके साथ ही मेरा HCF LCM कम्प्लीट हो जाएगा। तो कल से मैं क्या करूँगी कि इसके 100 क्वेश्चन HCF LCM के सॉल्व करूँगी, और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इसे एक ही दिन में सॉल्व कर लूँ, हो सकता है मैं इसे 2 या 3 दिन में भी सॉल्व करूँ। मेरी एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था कि उनको 1 घंटे की पढ़ाई करने के बाद नींद आने लगती है, तो ऐसा बहुतों के साथ होता होगा, क्योंकि
जब आप शुरुआत में पढ़ाई करना शुरू करती हैं तो आपकी वो हैबिट डेवलप नहीं हो पाती है और आपको वो बहुत बोरिंग लगता है, तो उस वजह से भी आपको नींद आने लगती होगी। तो इसमें मैं आपको ये सजेशन दे सकती हूँ कि आप पहले ही 3 से 4 घंटे की लगातार पढ़ाई करने की ना सोचें, आप 1 घंटे का स्लॉट बना लें और उसमें आप 45 मिनट पढ़ाई करें और 15 मिनट बिल्कुल खुद को रेस्ट दे दें। और इन 15 मिनट में आपको इस तरह से रेस्ट नहीं करना है कि आप मोबाइल चला लें या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लें। 15 मिनट में आपको एक शॉर्ट नैप ले लेना है और इससे क्या होगा कि शॉर्ट नैप लेने से आपकी एनर्जी फिर से रीस्टोर हो जाएगी और फिर जब आप नेक्स्ट आर में पढ़ाई करिएगा तो ज़्यादा फोकस होकर पढ़ाई कर पाइएगा। आपने देखा होगा कि मैंने लगभग 6 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और मैं चाहती तो 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई और करती, पर मेरे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे मुझसे मिलने के लिए, तो ऐसे में अच्छा नहीं लगता कि उनको इग्नोर करें जब कोई आपसे स्पेशली मिलने आया हो। तो मैं भी उनके साथ बैठ गई थी, बात करने लग गई थी। और मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी भी एज ग्रुप के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर लेती हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है और इवन जो मेरे घर में मेरी दादी हैं मैं उनसे भी एकदम अच्छे से कम्युनिकेट कर लेती हूँ। वो जो है यहाँ का लोकल लैंग्वेज बोलती है और मैं हिंदी बोलती हूँ, फिर भी हम एक दूसरे से आसानी से बात कर लेते हैं। और इसके अलावा जो मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे मायके में, मैं उनके साथ भी आसानी से कम्युनिकेट कर लेती हूँ और उनके साथ एक टॉपिक पर देर तक बात कर पाती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, मैं आपके कमेंट के जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर आप चाहती हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम है और मैं उसे अपनी वीडियो में शेयर करूं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।